प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मेरा नाम आइज़ैक न्यूटन है। मैं एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन था। मैं 25 दिसंबर 1642 में लिंकनशायर हैमलेट और वूल्सथ्रोप इंग्लैंड के शहर में पैदा हुआ था। बच्चों, एक दिन मैं अपने बाग में बैठा गहरी सोच में गुम था कि अचानक एक एप्पल दरख्त से नीचे गिरा, तो फिर मैं सोचने लगा कि ये सेब नीचे कैसे गिरा, और फिर मैंने इस पर तहकीक करके ग्रेविटी को दरियाफ्त किया। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू सर न्यूटन्स क्लासरूम। आज हम अपनी क्लास 1 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 में काउंटिंग 10 to 100 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम आपकी किताब में से नंबर 1 काउंटिंग टू 100, नंबर 2 काउंटिंग रिव्यू, नंबर 3 100, नंबर 4 नंबर चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। चले आए बच्चों, हम पहले एनिमेटेड वीडियो के जरिए काउंटिंग को पढ़ेंगे।
चलें बच्चों, अब हम आपकी किताब से भी पढ़ते हैं। 10 से 15 तक नंबर। बच्चों, आप यहां देख रहे हैं कि नंबर इकाई यानी वंस, दिहाई यानी टेंस और तिनके के कॉलम बने हुए हैं। और अब हम यहां तिनके गिनेंगे और इकाइयां यानी के वंस, दिहाइयां यानी के टेंस पढ़ें। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहां पर एक तिनकों का बंडल जो कि 10 तिनकों के बराबर है, यानी कि एक बंडल में 10 तिनके हैं जो कि 10 नंबर के बराबर है, जिसमें 0 इकाई यानी के वंस और 1 तिहाई यानी के टेंस है। बच्चों, इसी तरह हमने यहां पर 10 तिनकों के बंडल में एक तिनका जमा किया तो इस तरह 10 में 1 जमा करने से 11 नंबर हासिल हुआ, जिसमें 1 इकाई यानी वंस और 1 तिहाई यानी के टेंस है। हमने फिर 10 तिनकों के बंडल में 2 तिनके जमा किए तो इस तरह 10 में 2 जमा करने से 12 नंबर हासिल हुआ, जिसमें 2 इकाई यानी वंस और 1 तिहाई यानी टेंस है। फिर हमने 10 तिनकों के बंडल में 3 तिनके जमा किए तो इस तरह हमारे पास 10 में 3 जमा करने से 13 नंबर हासिल हुआ, जिसमें 3 इकाई यानी वंस और 1 तिहाई यानी के टेंस हैं। हमने फिर 10 तिनकों के बंडल में 4 तिनके जमा किए तो इस तरह 10 में 4 जमा करने से हमारे पास 14 नंबर हासिल हुआ, जिसमें 4 इकाइयां यानी वंस और 1 तिहाई यानी के टेंस है। और अब हमने फिर 10 तिनकों के बंडल में 5 तिनके जमा किए तो इस तरह हमारे पास 10 में 5 जमा करने से 15 नंबर हासिल हुआ, जिसमें 5 इकाइयां यानी के वंस और 1 तिहाई यानी के टेंस है। चले बच्चों, अब हम यहां पर तिनके गिनेंगे और इकाइयां यानी के वंस, दिहाइयां यानी के टेंस और नंबर लिखेंगे। यहां पर नंबर इकाई यानी वंस, दिहाई यानी टेंस और तिनके का कॉलम बना हुआ है। हम यहां पर तिनकों के बंडल को गिनेंगे और उनमें मजीद तिनके जमा करके नंबर लिखेंगे और फिर इकाई यानी वंस और दिहाई यानी के टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसी तरह आप अपनी किताब पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नंबर 11 से 30 तक गिनती पढ़ेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हम अपने टॉपिक नंबर 2 काउंटिंग रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। जायजा लेते हैं।
खाली जगह पर दुरुस्त नंबर लिखें। 7, 8, 9, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 27, 28, 29. बड़े नंबर के गिर्द दायरा लगाएं। 11, 8, 29, 30। छोटे नंबर के गिर्द दायरा लगाएं। 9, 5, 20, 19। सवाल, जुबानी जमा करें और सामने दुरुस्त नंबर लिखें। 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5, 1 + 5 = 6, 1 + 6 = 7, 1 + 7 = 8, 1 + 8 = 9। बच्चों, आपने इसी तरह अपनी किताब में इनकी प्रैक्टिस करनी है। इकाइयां और दिहाइयां यानी वंस एंड टेंस, नंबर तिनके, 1 बंडल तिनकों का 10 नंबर तिनकों के बराबर है, 2 बंडल 20 नंबर के बराबर है, 3 बंडल 30 नंबर के बराबर है, 4 बंडल 40 नंबर के बराबर है, 5 बंडल 50 नंबर के बराबर है, 6 बंडल 60 नंबर के बराबर है, 7 बंडल 70 नंबर के बराबर है, 8 बंडल 80 नंबर के बराबर है, 9 बंडल 90 नंबर के बराबर है। इकाइयां और दिहाइयां, वंस एंड टेंस। बच्चों, अब हम बंडल और तिनके गिनकर नंबर लिखेंगे। 1 बंडल में 5 तिनके जमा किए तो 15 नंबर हासिल हुआ, और अब 2 बंडल में 2 तिनके जमा किए तो 22 नंबर हासिल हुआ, 3 बंडल में 5 तिनके जमा किए तो 35 नंबर हासिल हुआ, 4 बंडल में 7 तिनके जमा किए तो 47 नंबर हासिल हुआ, 5 बंडल में 3 तिनके जमा किए तो 53 नंबर हासिल हुआ, 6 बंडल में 2 तिनके जमा किए तो 62 नंबर हासिल हुआ, 7 बंडल = 70 नंबर के, 8 बंडल में 1 तिनका जमा किया तो 81 नंबर हासिल हुआ, और इसी तरह 9 बंडल में 3 तिनके जमा करने से हमारे पास 93 नंबर हासिल होता है। बच्चों, आप अपनी किताब पर मज़ीद इनकी प्रैक्टिस करें। इकाइयां और दिहाइयां, वंस एंड टेंस। एग्जाम्पल, 43, 4 बंडल 3 तिनके, इकाइयां 3, दिहाइयां 4। नंबर लिखें, 33 में 3 इकाइयां यानी 3 वंस और 3 दिहाइयां यानी 3 टेंस हैं। 85 में 5 इकाइयां यानी 5 वंस और 8 दिहाइयां यानी 8 टेंस हैं। 79 में 9 इकाइयां यानी 9 वंस और 7 दिहाइयां यानी 7 टेंस हैं। दिहाइयों और इकाइयों की निशानदेही करके लिखें। 28 में 8 इकाइयां और 2 दिहाइयां हैं। 65 में 5 इकाइयां और 6 दिहाइयां हैं। 70 में 0 इकाइयां और 7 दिहाइयां हैं। चलें बच्चों, अब हम आपकी किताब का टॉपिक नंबर 300 यानी के 100 का तसव्वुर करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आप अपनी किताब में नुकात मिलाकर नंबर लिखें और उसकी प्रैक्टिस भी करें।
अब हम अपने टॉपिक नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। नंबर चार्ट, खाली जगह पर दुरुस्त नंबर लिखें। 78, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
एनिमेटेड वीडियो के जरिए काउंटिंग को पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. उम्मीद है कि बच्चों आपको इस क्लास में काउंटिंग 10 टू 100 के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।